बिहार नेपाल सीमा के रक्सौल में देर शाम चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई। कई लोगों का घर उजड़ गया तो सैकड़ों एकड़ में फसल बर्बाद हो गई। तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़कर जमीन पर आ गिरे। कई जगहों पर पेड़ के नीचे गुमटी दब गई तो कहीं किसी गाड़ी पर ही पेड़ खड़ा चल गया। कई जगहों पर बिजली के पोल भी टूटे नजर आ रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में बिजली का संकट भी गहरा गया है। तो एक तरफ जहां हवा और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ इस चक्रवाती तूफान ने आफत भी लेकर आया। ये तूफान भारतीय बैंकों का करोड़ों डकार कर लंदन में बैठा विजय माल्या भी कल मैच देखने पहुंचा था, लेकिन बाहर आते ही उसका सारा मजा किरकिरा हो गया। लोगों ने उसे घेर लिया और जमकर चोर चोर के नारे लगाए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, विजय माल्या चोर है। लंदन के ओवल में भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच देखकर बाहर निकले माल्या को शर्मसार करने के लिए ये होटिंग काफी। लेकिन माल्या के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। अपने बॉडीगार्ड्स के घेरे में वो बेफिक्र खड़ा था और लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों ने उससे अपना पैसा भी मांगा और पैसा दे कहकर होटिंग भी की। होटिंग के बाद माल्या ने मीडिया से कहा कि इस शोर में मेरी माँ को काफी दुख पहुंचा है। माल्या की इस दलील के बावजूद लोग उसे धिक्कारते रहे, उससे कहते रहे कि उसकी माँ को भी उस पर शर्म आती होगी। माल्या के लिए इस भीड़ से निकलना मुश्किल हो गया, लोग उसके पीछे पड़ गए। वो जब तक अपनी गाड़ी में नहीं बैठ गया तब तक लोग उसका पीछा करते रहे। माल्या ने कहा वो खेल देखने आया था और उसके केस की अगली सुनवाई जुलाई में है, जिसकी तैयारी चल रही है। इससे पहले उसने अपने बेटे के साथ स्टेडियम से अपनी तस्वीर भी ट्वीट की थी। लंदन में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। इधर लंदन में मैच खत्म होने के बाद माल्या का घेराव हुआ तो उधर लंदन में ही एक 5 मंजिला घर में आग लग गई। आग बेहद ही डरावनी थी और भयंकर थी। गगनचुंबी आग की लपटें देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें कितनी खौफनाक है ये देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। काला धुआं आसमान तक पहुंचने लगा। आनन फानन में 100 फायर टेंडर आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की सूझबूझ और फौरन कार्रवाई से महज 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया और राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।